हेलो नमस्कार, वेलकम टू सुखोपीडिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीसीएल टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, एग्जामिनेशन फीस क्या है और टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया। यूपीपीसीएल मीन्स उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले जो ऑफिशियल पीडीएफ आया है उसको देख लेते हैं। तो ये ऑफिशियल पीडीएफ जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या 10 विद्युत सेवा आयोग 2022 टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है वो देख सकते हैं कितना है, 826 है। और ये रिजर्वेशन मतलब यूआर के लिए 357, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 241, अनुसूचित जाति के लिए 187, अनुसूचित जनजाति के लिए 17 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए टोटल कितना है, 89 है। तो आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधि मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र होना अनिवार्य है, एक कंडीशन इसका है। विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में जो सीबीटी एग्जाम होगा वह एक से अधिक पालियों में या दिनों में हो सकता है और उसका जो मूल्यांकन होगा वो किस आधार पर होगा, नॉर्मलाइजेशन मेथड के आधार पर होगा। जैसे मान लीजिए अगर कई शिफ्ट में हो रहा है तो फिर उसको नॉर्मलाइजेशन मेथड लगा जाएगा वहाँ पे और उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दिए जाएंगे। उक्त पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमान्य है, अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों जो होंगे वो यूआर कैटेगरी मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पे जो सैलरी है वो कितना है, 27,200 जो मिनिमम सैलरी है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में द्वितीय वर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र NCVT या SCVT होना आवश्यक है। किसमें, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण, इन तीनों में होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं जो एज कितना होना चाहिए। तो 1 जनवरी 2022 को मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए। और बाकी रिजर्व एज में जो रिजर्वेशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है। अब बात कर लेते हैं जो एग्जाम एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा जो नॉन रिफंडेबल है। तो यूआर कैटेगरी के लिए जैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कितना है, 1180 रुपये। और अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, 826 रुपये। तो जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए, अगर अदर स्टेट के आप भले ही अनुसूचित SC ST हैं तो आपको भी कितना देना पड़ेगा, 1180। लेकिन आप यूपी से हैं और अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 826 ही देना पड़ेगा। फिर ये हो गया एप्लीकेशन फीस के बारे में। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसे होगा। तो ये चयन प्रक्रिया जो होगा CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 भागों का होगा जिसकी अवधि कितनी होगी, 3 घंटे का एग्जाम होगा। प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में नीलेट के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, अर्थात परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, निगेटिव मार्किंग इसमें है। कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को अर्य न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वारा भाग का मूल्यांकन, जो द्वितीय भाग है उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा अगर आप 20 नंबर से कम पाते हैं। तो कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में अर्जित अंक श्रेष्ठता वहाँ से मेरिट निर्धारण करेगा तो आप दूसरा भाग देंगे। तो द्वितीय भाग में निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तु, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा और इसमें भी जो पर क्वेश्चन है मतलब एक क्वेश्चन कितने होगा, 1 अंक होगा और इसमें भी निगेटिव मार्किंग है 1/4 की। तो जो पाठ्यक्रम देख लेते हैं, सामान्य अध्ययन और तार्किक ज्ञान का रहेगा तो 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 अंक के। सामान्य हिंदी जिसका सिलेबस हाई स्कूल सामान्य स्तर का रहेगा तो 15 क्वेश्चन 15 नंबर। सामान्य अंग्रेजी रहेगा वो भी हाई स्कूल के लेवल का रहेगा, 15 क्वेश्चन 15 नंबर। और तकनीकी विषय ज्ञान का रहेगा 150 क्वेश्चन रहेंगे 150 नंबर के, तो टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 33.5% मार्क्स होना जरूरी है, यानी अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो 67 से कम अंक प्राप्त करते हैं
तो चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो ये हो गया पैटर्न क्या रहेगा और कैसे एग्जाम होगा, टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में। परीक्षा स्थान की अगर बात करते हैं तो कहाँ कहाँ पर रहेगा, परीक्षाएं लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा एवं कानपुर शहरों में होंगी। यथार्थ अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला अथवा घटाया बढ़ाया जा सकता है। आवेदन कैसे करना है, और आवेदन करना आपकी जो वेबसाइट है इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा, और डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लिंक क्या है, www.uppcl.org, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आज हमारा किसके बारे में, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। तो यहाँ पे हमने बात किया कि स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, एग्जामिनेशन फीस कितना लगेगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है। तो अगेन यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है 27 सितंबर 2022, और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है 19 अक्टूबर 2022, और डेट ऑफ सबमिटिंग द फी थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, वो क्या है 27 सितंबर 2022 से 19 अक्टूबर 2022, और डेट ऑफ सबमिटिंग द ऑनलाइन फीस के लिए वो क्या है, वो भी तुम्हारा सेम है आपका 27 सितंबर 2022 से 21 अक्टूबर 2022 तक। और एग्ज़ाम इसका कब होगा, जो टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्या है, लास्ट वीक ऑफ नवंबर 2022। नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया, सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।